नमस्कार, आप देख रहे हैं NMK न्यूज। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कन्याओं के पांव पखारे, आरती उतार कर कन्याओं की पूजा की। शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि पर गोरक्ष पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाथ पीठ की परंपरा का आस्था भाव से निर्वहन किया। मंगलवार की सुबह उन्होंने पीठ में मां भगवती के सभी 9 स्वरूपों की प्रति, 9 कन्याओं और एक बटुक भैरव का विधि विधान से पूजन किया और अपने हाथ से भोज कराया, दक्षिणा देकर सभी की भावपूर्ण विदाई की। कन्या पूजन के इस अनुष्ठानिक कार्यक्रम में 100 से अधिक बच्चों ने पूजन का प्रसाद ग्रहण किया। सभी की वैसे ही भोजन कराकर विदाई की गई जैसे 9 कन्याओं एवं एक बटुक भैरव की गई। कन्या पूजन की शुरुआत पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुबह 8 बजे हुई। पीठ के प्रथम तल पर मुख्यमंत्री योगी थाल सजाकर बैठे। बारी बारी से उन्होंने कन्याओं के पांव पखारे, तिलक लगाया और फिर आरती उतारकर चुनरी ओढ़ाई। इस दौरान कन्याओं के साथ योगी का भावपूर्ण स्नेहिल संवाद सभी को भावविभोर कर रहा था। पूजा अर्चना के बाद योगी ने उसी श्रद्धा भाव के साथ कन्याओं को भोजन परोसकर खिलाया। अंत में दक्षिणा और उपहार देकर उनकी विदाई की। कन्या पूजन और भोजन का सिलसिला करीब 1 घंटे तक चला। इसके साथ ही मंदिर के शक्तिपीठ में कलश स्थापना से शुरू हुआ नवमी का पूजन अनुष्ठान संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नवरात्र पूजा का महात्म पर प्रकाश भी डाला। कहा, यह पर्व हमें नारी के सम्मान की प्रेरणा देता है, नारी के प्रति श्रद्धा भाव रखने के लिए प्रेरित करता है। माँ दुर्गा के सभी 9 स्वरूप नारी का महत्व बताते हैं और उनके प्रति सम्मान भाव रखने की सीख देते हैं। मुख्यमंत्री ने इस दौरान प्रदेश वासियों को नवरात्रि के साथ साथ विजयादशमी की भी बधाई और शुभकामनाएं दी। मंगलवार दोपहर बाद दशमी तिथि लग जाने से मुख्यमंत्री नाथपीठ की विजयादशमी परंपरा का निर्वहन भी नवमी पूजन के ही दिन करेंगे। इस क्रम में दोपहर 1 बजे गोरखनाथ पीठ में तिलकोत्सव कार्यक्रम होगा, जिसमें पीठाधीश्वर योगी भक्तों को तिलक लगाकर आशीर्वाद देंगे। शाम 4 बजे मंदिर से परंपरागत विजय शोभा यात्रा निकलेगी, जिसका नेतृत्व वो खुद करेंगे। शोभा यात्रा के साथ मानसरोवर मंदिर जाकर योगी भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करेंगे और फिर मानसरोवर रामलीला मैदान जाकर भगवान श्री राम की आरती उतारेंगे। इस दौरान रामलीला के मंच से मुख्यमंत्री का विजयादशमी का महत्व पर संबोधन भी होगा।